हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी एसएससी जो आपका एग्ज़ाम था एसएससी जो एग्ज़ाम आपको 12 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, शिफ्ट वन का एग्ज़ाम कर रहे थे जिसमें हमने 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो आज की जो वीडियो हम 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो 14 क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है ना, जो ट्रायंगल एबीसी का, वो एसी पर मीट कर रहा है डी पॉइंट पर, ठीक है, तो बना लेते हैं अपना ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी बोला 12 है, बी सी आपका 18 है और ए सी आपका 15 है, ओके। तो बोला कि लेंथ ऑफ सॉरी, ये क्या है, एंगल बी से बाइसेक्ट है ना, तो बाइसेक्टर एंगल दे रखा है, तो बाइसेक्ट एंगल क्या होगी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए डी वाली लाइन निकालनी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो बाइसेक्टर का एक थ्योरम होती है, वो क्या कहती है कि आपका ए बी डिवाइड बाई बी सी करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए डी बटे डी सी के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक है। तो निकाल लो बस, तो आपका कितना ए बी आपका 12/18 हो जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। तो ए डी की वैल्यू यहाँ से 2 दिखाई दे रही है मुझे और डी सी की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है। अगर 2 और 3 यूनिट को मिलाकर हम 5 यूनिट बनाते हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी, कंप्लीट 15 दे रखी, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी। तो हमें किसके निकालने, ए डी, ए डी की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 की कितनी होगी, ये आपकी 1/5 पर चली जाएगी, तो सॉरी 3 पर चली जाएगी, तो 2 3 6, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आपकी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला कि रेशियो बताना है नंबर ऑफ यूथ ए सी ई, ए सी ई इसका ये 12 और 11.5 और 9, तो 11 और 9 20, 20.5, 20 पॉइंट और 5 और 12 32.5 हो गया, ठीक है। इसका रेशियो किससे देना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ, एम्प्लॉय यूथ का मैप इस तरह से है जो कि बी सी डी, बी सी डी, तो बी का 7 ले लो, सी का 10, तो ये आपका 17, 17 और 7.5 कितना हो गया, 24.5 हो गया, 24.5 हो गया। तो कट कर दो, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्योंकि एक एक यूनिट, एक ही डिजिट के आगे है, तो ये आपका 5 6 31, 5 25, ये आपका 5 चौके और 5 3, तो 65.49 आपको क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला कि एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है पी सर, पी पर, पी से एक सर्कल पर जो कि सर्कल को टी पॉइंट पर मिलाती है, ठीक है, ये मान लो एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, जो पी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ओके। बोला कि पी टी अगर 10 है, ये आपका पी टी है और ये आपका 10.5 है, ओके। तो अब एक सेकेंट निकाली गई पी ए बी जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पर, तो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है पहले तो ए पर इंटरसेक्ट करेगी, फिर लास्ट में जाके किस पर इंटरसेक्ट करेगी, बी पर इंटरसेक्ट करेगी, तो पी ए आपकी 7 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 7 हो जाएगी, और ए बी निकाल ली, ये हम एक्स मान लेते, तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, जो ये टेंजेंट ली है तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी टी का स्क्वायर आ जाएगा, पी टी का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये थ्योरम होती है, ठीक है। तो ए पी आपका 7 है और पी बी आपको कितना है, x+7 हो जाएगा, x+7 हो जाएगा, और पी टी का स्क्वायर इसका इसका मतलब 10.5 का स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका 7 से गया कितने पर, 7 × 7 0.5,
तो एक्स प्लस सेवन की वैल्यू जो आ गई वो आपकी आ गई 75.15 आ गई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू सेवन को उधर ले जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 15 में 7 गए 8, तो 8.75 आपकी क्या आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला कि रिमाइंडर जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 13 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या रिमाइंडर होगा, मतलब इन सभी के प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे 13 से तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछा है। तो एक तो ये कैलकुलेशन है कि इन तीनों का क्या लो आप, एलसीएम लो, ठीक है। तो क्यों ना मैं इसको एलसीएम प्रोडक्ट रिमाइंडर ही लेकर आना, तो क्यों ना मैं क्या क्या करूँ, पहले एक एक को डिवाइड कर दो 13 से। तो 13 से डिवाइड किया तो 13 दूनी 26, ठीक है, 7 5 13 5 65, तो यहाँ से 10 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। मतलब मैं इसका रिमाइंडर अलग लूंगा, इसका अलग लूंगा, इसका अलग लूंगा। फिर मैंने 608 को 13 से डिवाइड किया तो 13 एकम 13 सॉरी 13 चौके 52 8 8, 13 6 78, तो यहाँ से भी क्या है, 10 रिमाइंडर है। अब इसको करता हूँ तो 13 से डिवाइड तो 13 8 78 7 3 और 13 5 65, और यहाँ से कितना रिमाइंडर है, 8। तो कुछ नहीं करना, इन तीनों इनके रिमाइंडर को ऐड कर दोनों, और जो भी आंसर आएगा ना, जैसे कि 800 आया, 800 हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो 13 6 78 2 0 13 13, कितना रिमाइंडर आया, 7 रिमाइंडर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला किसी चीज का एमपी है 625 रुपये का, ठीक है, उस पर डिस्काउंट दिया गया 32% का और प्रॉफिट 25 रुपये का है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, मतलब ये 25 कितने परसेंटेज के बराबर है ये बताना आपको। तो देखो नियरेस्ट इंटीजर के बाद मतलब डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेसिमल में से आपको नियरेस्ट बताना है, ठीक है। तो 625 है तो एमपी 625 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे तो एसपी 32%, 32 का छूट दिया गया, तो 32 की छूट दे दी तो आपके कितने आ जाएगा, 68/100 हो जाएगा, राइट। ओके इज इक्वल टू, यहाँ सीपी आएगा, ये आपका पूरा एसपी है और इधर भी हम एसपी लिख रहे हैं रुपए में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना, तो इसको डिवाइड करेंगे 417 पर चला गया, 4 से 25 पर चला गया, 25 से आपका 25 पर चला गया, तो 25 गुना 17 कितना हो जाएगा, 425 हो जाता है, इजिकल टू सीपी प्लस 25। तो सीपी की वैल्यू जो आएगी वो 400 की आएगी, ओके। और अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट कितने का, 25 का, किस पे, सीपी पर, इंटू में शो करता हूँ, तो ये कितना जाएगा, 6.10 6.25, तो 6% का क्या हो गया, नियरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इज यंगर देन बी बाय 8 8 ईयर्स, 8 साल से क्या है, सॉरी ए जो है वो बी से 8 साल छोटा है, ठीक है। तो 8 साल छोटा है तो इसका मतलब बी बड़ा होगा, तो ए की वैल्यू हमने एक्स मान ली, ओके, ए की वैल्यू हमने एक्स मान ली, बी की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस 8 मान लेते हैं, क्योंकि 8 साल बड़ा है इससे। बोला कि 4 साल पहले 4 साल कर दो माइनस, इधर भी आप माइनस कर दो, इनका रेशियो तो जो था ना 1:2 था, 1:2 था, बस ये आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो इसको सोल्व करो तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 2x-4 इजिकल टू, यहाँ से -4 हो जाएगा, सॉरी +4, x+4 × 1, तो x+4 हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ओनली x आएगा, 3 नहीं, ओनली एक्स आएगा, और ये आपका ये क्या था, 8, यहाँ पर 8 आएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो प्रेजेंट एज पूछी, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना, x+8 है, तो इसका मतलब 12 + 8 कितना हो गया आपका, 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 जिस मतलब पूरा कंप्लीट 7 से मल्टीपल है और इस 5 रिमाइंडर आएगा कब आएगा, जब इन सभी से डिवाइड होगा। देखो
क्यों ना हम ऑप्शन को पहले ही चूज कर ले कि 7 से मल्टीपल कौन सा है। तो पहले को चेक करते हैं, 7 5 35 15, 7 2 14, मतलब एक रिमाइंडर आया, तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया। लास्ट वाला चेक करते हैं, 7 1 7 25, 7 1 21, 4 रिमाइंडर, तो ये भी नहीं होगा। 7 1 21, 4 2 या पर 6 पे, ये 7 से कम्प्लीट डिवाइड, तो इसमें क्या है, 5 रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा। सिर्फ यही होगा बेसिक, आप चेक कर लो, 7 1 7 3 8, 7 5 35, 3 5, 7 5 35। तो बस इस तरह से आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। बाकी अगर इसका सोलो इसका इससे एक्सप्लेन करो तो क्या करो, इन सभी का एलसीएम ले लो 360। 360 में कोई नंबर मल्टीप्लाई की, ओके, और प्लस में 5 आना चाहिए, मतलब वो जब तक आना चाहिए जब तक क्या हो, 7 से कंप्लीट मल्टीपल ना हो जाए। तो यहाँ पर आप एन की वैल्यू क्या लोगे, 3 लोगे, ठीक है, राइट। तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन 2:7 है। बोला कि अगर फर्स्ट ट्रेन 250 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही है, तो यहाँ से फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकालते हैं, 250/5 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 50। तो 2 की जगह हम 50 रखेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ गई ना 50 किलोमीटर पर आवर, इसने रेशियो 2 की जगह 50 दे रखा, और 7 की जगह कितना, 1 की जगह 25, और 7 की जगह आपका कितना हो जाएगा, आपका 175, ठीक है। तो सम ऑफ स्पीड, इन दोनों के सम पूछा, तो इन दोनों का सम कितना, 9, 1 की वैल्यू 25 थी और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना 25 कर, तो 225 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला कि 2 कॉमन टेंजेंट है ए सी बी डी, जो कि 2 इक्वल सर्कल है जिसकी रेडियस 7 7। तो अगर मैं कहूँ कि ये रेडियस 7 है और इसकी भी रेडियस कितनी है, 7 है, तो एस, ठीक, तो बी डी बोला 48 है, बी डी बोला 48 है, तो ए सी बताना कंप्लीट लाइन, तो मैं क्या 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 करता हूँ, ये कंप्लीट लाइन निकालनी है डी, ठीक है, ओके। अब देखो अगर D को मैं इसको कंप्लीट मान लूँ, इसको D मान लूँ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, तो क्या होता है वो ट्रांसवर्स रूल लगाते, तो ट्रांसवर्स रूल क्या होता है आपका, डी स्क्वेयर ओके माइनस R1 + R2, R1 कितना, 7, R2 कितना, 7, तो 7 + 7 कितना हो गया, 14, तो 14 का स्क्वेयर कर दो, ये क्या आ जाएगा, जो भी साइड आपको दे रखी है ना, ये वाली ट्रांसवर्स वाली, तो ये आपकी कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 48 का 48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वेयर रूट हटाएंगे तो डी स्क्वेयर माइनस आपका कितना, 14 कितना पर जाएगा, 196 पर होता है, और यहाँ 48 स्क्वेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वेयर 4 4 8 32 32 × 64 64 × 6 70, और 4 × 16 16 × 7 अब तक 23, तो डी स्क्वेयर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा, और डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 50 आपको क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है, XYZ, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि x³ + y³ + z³ क्या होता है, 3xyz प्लस में x + y + z, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई x + y + z का होल स्क्वायर एंड माइनस 3xy + yz + zx, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है इसका, तो ये आपका 1604 के बराबर दे रखी है, आपके 3xyz दे रखे प्लस में, ये आपका xyz कितना दे रखा है, 11 दे रखे हैं, और यहाँ पे आप 11 का स्क्वेयर करोगे तो 121 आ जाएगा, माइनस 3 × 6 = 18, तो प्लस में 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6 है ना इसकी वैल्यू, तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो 1604 = 3xyz + में 11 × 139 हो जाएगा, तो 139 को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 99, 11 33, 33 और 9
आपका 2 पे चला जाएगा, 33 और 9 42, 6 11 11 11 और 4 आपका 15 होता है। तो 1529 इधर लिया है, माइनस कर दिया, ठीक है, 1529 इधर लिया है माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा, 5 7 75 बचा। तो 75 जिसकी वैल्यू वो 3xyz की, तो हमें xyz की वैल्यू निकालनी, तो 75/3 आ जाएगा, तो ये 25 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि कोट बी है 12/5, तो कोट क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, एक हाइपोटेनियस जाएगा, तो ट्रिपलेट यूज कर दो, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक बी, सेक क्या होता है, सेक आपका इस एंगल सेम है, अगर एंगल अलग अलग होते हैं तो हम डायग्राम बनाते हैं, लेकिन सेम एंगल में आपको सीधा क्या लगाना है, सिंपल फार्मूला लगाना है, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो ये एच अपॉन बेस भी, ठीक है, एच कितना है 13 और बेस आपका कितना 12 है, तो 13/12 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बोला कि एक वर्टिकल पोल और एक टावर है किस ग्राउंड पर सेम लेवल पर खड़े हुए हैं, ठीक, ये आपका ग्राउंड है, ओके। तो बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60, अगर पोल की मदद से टॉप ऑफ टावर देखें, यहाँ से टॉप ऑफ टावर देखें, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट, ओके। और बोला कि बॉटम ऑफ टावर इज 30, यहाँ से फिर बॉटम की टावर गया तो 30 डिग्री का यहाँ बना रहा है। देखो हाइट ऑफ पोल कितनी है, 24, तो इस साइड पोल है, ये आपका टावर है, तो टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो आप देखो सिंपल तरीका यूज करेंगे, ज्यादा वो फॉर्मेलिटी नहीं, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1 बेस परपेंडिकुलर होता है और √3 आपका बेस होता है, राइट, तो ये 1 तो ये भी 1 और ये आपका √3 हो जाएगा। अब tan 60 की बारी है, tan 60 की बारी आ जाएगी, तो tan 60 क्या होता है, √3/1 होता है, तो √3 आपका ये हो जाएगा और यहाँ आपका 1 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर √3 दे रखी, 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, √3 दे रखी है, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 के साथ √3 को मल्टीप्लाई करा दो तो 3 आ जाएगी, तो टावर ऑफ सॉरी हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी, 3 आपका यहाँ तक है, 3 आपका यहाँ तक है और एक आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो 4 हो जाएगी, अपनी तरफ से कितनी यूनिट हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन बोला कि हाइट ऑफ पोल कितनी है, 24, तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी है, 24, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 24 आप 96 कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने जो शिफ्ट, ये अपना 12 अप्रैल 2022 का एग्जाम था, शिफ्ट 1 का पूरा एग्जाम बहुत इजी था, पूरा मैथ इजी था, सिंपल फार्मूला सिंपल कैलकुलेशन अच्छा था पेपर एग्जाम ये, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की उठाएंगे, तो पार्ट 1 का जो लिंक है वो मैं PDF में ये सॉरी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।